हेलो वेलकम गाइस, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 117। ठीक है, अच्छा ये वीडियो में ना कैसा है, ये क्वेश्चन में कैसा है कि आपको एडजस्टमेंट जो दिया है उसमें जितनी भी वैल्यू जितने भी आइटम्स हैं सबका ओपनिंग बैलेंस और क्या दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, और कुछ के तो क्लोजिंग बैलेंस दिए भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के चार एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद प्रीपेड ओपनिंग है और क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करना है पूरा चलते हैं बुक में, सब को सॉल्व करते हैं, वीडियो को पूरा देखना, कैसे स्किप मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पेज नंबर 117। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, चलो अभी क्या करना है अपने को, मार्किंग कर लेते हैं। पहले रिसिप्ट साइड है, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम लोग कभी भी लिखते नहीं है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन है 52,000, ये कहाँ जाएगा, इनकम यानी आई, डोनेशन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो इनकम। ठीक है, ये सब इनकम में जाएगा। रिसिप्ट साइड का आइटम मोस्ट ऑफ कहाँ जाता है, इनकम में, या तो फिर कहाँ जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा अपना ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2020, तो आपका करेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1920, लास्ट ईयर क्या होएगा, 1890, और नेक्स्ट ईयर आपका क्या हो जाएगा, 2021। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अपने को फोकस किस पे करना है, इस पे 1920 के ही एक्सपेंस और इनकम हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस और इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंस है और ये इनकम। ठीक है, फॉर्मेट आई होप आप लोगों को पता होगा। चलो पेमेंट साइड में जाते हैं, मेडिसिन परचेज एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो एक्सपेंस, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस एक्सपेंस, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होगा, एसेट्स में जाएगा। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी दोनों कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। ठीक है, चलो अभी एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ये जो है ना 1 अप्रैल 2019, ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और 31 मार्च 2020 जो होगा ये क्या है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये याद रखना। ठीक है, तो 310 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो इसके लिए 2 स्टार। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड, तो प्रीपेड लास्ट ईयर का भी दिया अपने को और करंट ईयर का भी दिया, तो टोटल सब्सक्रिप्शन पे कितने स्टार लगेंगे, 4 स्टार लगेंगे। तो देखो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो इसके हिसाब से लाइन भी छोड़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये जो 1 अप्रैल 2019 है ये ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपी लिखा हुआ मतलब ओपनिंग हो गया, और CLST मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, दवा खाना है ना, है ना, हॉस्पिटल है ना, तो मेडिसिन जो होगा उसका ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको कैसे हैंडल करना है आगे सब में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो नया परचेज किया इस पर कितने स्टार आएंगे, 2, ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। ओके, फिर इसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, तो ये लास्ट, ये ओपनिंग इक्विपमेंट है, हमने जो नया इक्विपमेंट परचेस किया। देखो पेमेंट साइड में कोई भी एसेट्स है ना तो वो न्यू है। ठीक है, नया एसेट्स हमने इस साल परचेस किया हुआ होता है, मतलब 1920 में हमने क्या किया, पेमेंट करके परचेस किया हुआ है, तो इक्विपमेंट पे क्या आएगा, 1 स्टार आएगा ओपनिंग के लिए। ठीक है, ओके, बिल्डिंग एसेट्स, कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, 1,70,940, और 10% इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, तो इक्विपमेंट ये जो हमने परचेस किया यहाँ पे 2 स्टार पहले, 1 स्टार पहले का था और 1 स्टार ये, तो टोटल कितने हुए, इक्विपमेंट पे 2 स्टार हो गए। उसके बाद बिल्डिंग पे 1500, तो बिल्डिंग अपने पास यहीं पे एडजस्टमेंट में है, तो इधर ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम में, तो
तो ये रहा इनकम साइड, बाय क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन 52,000, चार स्टार है तो एक दो तीन और ये चार। पहले स्टार के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़ते हैं, लेकिन बाकी जो भी एडजस्टमेंट होते हैं उसके लिए दो दो लाइन छोड़ेंगे हम लोग। ये हो गया। फिर अगला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। अच्छा डोनेशन भूल गए थे, बाय डोनेशन 17,500। फिर बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शू 8,530। ठीक है, ये हमने पोस्टिंग कर दिया। आपको पता है कि रिसीव साइड का आइटम कहाँ जाता है, या तो इनकम साइड में जाता है या तो फिर कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड में जाता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, इसकी रिसीव साइड की दो ही जगह है। पेमेंट साइड का आइटम कहाँ जाएगा, शॉर्टकट अपने को बताना चाहिए, या तो एक्सपेंस साइड में जाएगा, ठीक है, या तो फिर कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंस साइड है हमारा, और ये क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड है। ठीक है, चलो तो अभी पेमेंट साइड में जाते हैं। मेडिसिन परचेस 41,000, दो स्टार है। टू मेडिसिन, ठीक है, पी फॉर परचेस 41,000, एक स्टार, ये दूसरा स्टार। फिर उसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस है 1,050, देन टू सैलरीज 23,500, टू स्टेशनरी 2,000, टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो कितना है 550, टू सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस 4,200। बाद में इक्विपमेंट दिया, तो इक्विपमेंट कहाँ जाएगा, एसेट्स में, $10,000 का ये न्यू इक्विपमेंट है। कैसे मालूम पड़ा, पेमेंट साइड में जो भी एसेट्स होते हैं, पेमेंट साइड में जो भी एसेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, न्यू एसेट्स होते हैं ना, इसके लिए हमने यहाँ पे न्यू लिखा। ठीक है, और इसके लिए भी तीन लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि दो एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड 960, कैश एट बैंक 13,000। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, ये जो पेमेंट साइड का आइटम है, या तो हमने कहाँ लिखा, या तो हमने एक्सपेंस में लिखा, या तो फिर हमने कहाँ लिखा, एसेट्स में लिखा। ठीक है, चलो अब हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। हमारे पास सब्सक्रिप्शन ड्यू है यानी आउटस्टैंडिंग है। लास्ट है, देखो ओपनिंग में जो रहता है ना सब्सक्रिप्शन, मतलब ओपनिंग में जो भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड होता है सब लास्ट ईयर का होता है। ठीक है, तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी। तो 310 रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट ईयर का, तो इसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक। आउटस्टैंडिंग वैसे तो हम प्लस करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर क्या था 18-19, है ना, 310 रुपये माइनस कर लेते हैं, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6, और ये हो जाएगा 51। ठीक है, इसकी एक ही इफेक्ट होगी, सेकेंड इफेक्ट इसकी कहीं नहीं जाएगी। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कभी का, करंट ईयर का, है ना, 350।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350, 0, 9 और 5, 14, 0, ये हो जाएगा 52। और इसकी सेकेंड इफेक्ट भी आएगी क्योंकि ये 1920 यानी करंट ईयर का है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एसेट्स में लिखेंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920 यानी करंट ईयर का 350। फिर उसके बाद क्या, अपने पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600, लास्ट ईयर का प्रीपेड। तो लास्ट ईयर का प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो लेस करना चाहिए, प्रीपेड हमेशा लेस होता है, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर का है इसके लिए क्या होगा, ऐड होगा। तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कभी का 1890 कितना है, प्रीपेड 600 है, तो ये ऐड किया हमने तो ये हो गया 52640। लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी, ठीक है। देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो लेस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड करेंगे, लास्ट ईयर का प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे, ऐड, और लास्ट ईयर का प्रीपेड होगा तो सॉरी करंट ईयर का प्रीपेड होगा तो क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, ठीक है। इसकी कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी लास्ट ईयर के प्रीपेड की, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन कभी का 1920, तो 1920 में कितना प्रीपेड है, 150। तो यहाँ पे से 150 हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 1 4, तो ये हो जाएगा 52 490। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी इनकम कम होगी, 52640 था, अभी क्या हो गया 52490, इनकम कम होगी। बुरी बात कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 1920 150। सॉरी खांसी आ रही, थोड़ी क्या करें। अभी अगला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8000 ओपनिंग है, सॉरी स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो, तो ओपनिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कितना है 8000, तो यहाँ पे 8000 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 49000। यहाँ पे ओपनिंग लिखना भूल गया, ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फिर हम लोग और ये क्योंकि लास्ट ईयर का आइटम है इसके लिए एक इफेक्ट होगी, फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना, 11000, तो यहाँ से 11000 हम लोग माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 1 3, 38। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस पहले कितना था 49, अभी कम हो गया, कितना हो गया 38 हो गया, तो एक्सपेंस कम हो गया, अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, 11000। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, ये अपना ओपनिंग इक्विपमेंट है, तो इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, ओपनिंग इक्विपमेंट कितने का था, 15000, तो टोटल अपने पास इक्विपमेंट जो हो गया वो 25000 का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट के बाद क्या है, बिल्डिंग है 40000, देन बिल्डिंग के बाद क्या है, कैपिटल फंड 1,79,940, तो ये कैपिटल फंड लायबिलिटी में आएगा 1,70,940। फिर 10% इन्वेस्टमेंट 1,00,000,
1 लाख, ठीक है, ये हो गया। सारी पोस्टिंग एडजस्टमेंट हमने कर दिए, अभी दो ही बच गए, वो कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, तो ये रहा इक्विपमेंट, इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, 1900 का माइनस करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन 1900, चार में से गया 23,100। क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। बुरी बात कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंस में, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे 1500, तो बिल्डिंग में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बाहर आएगा 38,500, ठीक है। यहाँ पे भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी, इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगी, एक्सपेंस में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1500, ठीक है। सारा कुछ हमने कर लिया, अब हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने ऑलरेडी किया था, ठीक है, ये रहा पीछे मैंने सॉल्व किया था, है ना, राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल मैंने सॉल्व किया था, बट क्या वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया था, इसके लिए मैंने उसको डिलीट कर दिया, तो दूसरा वीडियो बनाना, तो मैंने टोटलिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 88,520, ठीक है, और डेबिट का जो टोटल है वो 72,700 आ रहा है। क्रेडिट में क्या होता है, इनकम, डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस कम है यहाँ पे, तो एक्सपेंस कम होता है तो क्या होता है अपने को, सरप्लस, ठीक है। तो ये कितना है, 15,820, ठीक है, जो कि बुक से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल में 88,520, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 88,520, डिफरेंस कितना है, सरप्लस हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है, 15,820, ये क्या है, टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, सरप्लस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐड सरप्लस, ठीक है, 15,820, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 9 और 8, 17, एक कैरी गया 6, 8, 1,86,760। फिर इसका जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 और 5 होता है 11, ठीक है, 7, 9, 6, तो 1,86,920, 9, 10, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ का भी टोटल उतना ही होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये टोटल करके बताना कि ये टैली हो रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना सम हो गया यहाँ पे, आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझाए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, चलो।